इंडिया, तुम ठीक तो हो ना? अरे कहाँ चली गई थी तुम? और यहाँ यहाँ कैसे पहुंच गई? हम आपको सब बताते हैं, अभी आप यहाँ से चलिए। चलिए जीप में बैठिए, हम आपको सब बताते हैं। चलिए। क्यों, कोई पीछा कर रहा है तुम्हारा? बताओ हमें, वो भानु आया था फिर से? नहीं नहीं, आप चलिए ना, आप जीप में बैठिए, चलिए यहाँ से। हेलो मंगल, बिंदिया हमारे साथ हैं, तुम सीधा हवेली पहुंचो। हमको लगा था कि प्रियम ठाकुर ने हमें अपने घर बुलाया है तो बिजनेस पक्का, पर इस लाखन ठाकुर ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। वनराज बाबू, शतरंज का खेल कभी खेले हो का? इस खेल की बिसात पर कब कौन किसका मोहरा बन जाए पता ही नहीं चलता। जैसे कि तुम, दद्दा जी तुमको अपने खेल का मोहरा समझते हैं, और मिथिलेश अपना, पर ससुर उन दोनों को ही नहीं पता कि वो दोनों ही एक बहुत ही बड़े खेल के प्यादे हैं, और तुम शय और मात देने वाला हाथी। वो उस दिन भानु ने आप पर हमला किया था ना, तो हम बहुत डर गए, इसलिए हम कुलदेवी के मंदिर गए थे आपकी लंबी उम्र की कामना के लिए। हाँ लेकिन तुम जंगल कैसे पहुंच गई? वो हम मंदिर पहली बार गए थे ना, तो हम पीछे से उतर गए, पीछे से जंगल का रास्ता है ना, तो हम भटक गए, यही हुआ था। तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? आपको हम पे भरोसा नहीं है? दिया, भरोसा है तुम पर, पूरा भरोसा है, लेकिन जब हम तुम्हें ऐसे परेशान देखते हैं ना, हम खुद परेशान हो जाते हैं। मिलिया, आपको क्या लगता है हम इससे चुप हो जाएंगे? कभी भी अपने से ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करना चाहिए। क्या कर रहे हैं? मंगलसूत्र है हमारा, इसका क्या कीमत होगा ससुर? सुहाग की निशानी है हमारी, इसे कहाँ ले जा रहे, इसे मत ले जाइए। माया, जो तुम्हारे प्रियम भैया है ना, और ये जो तुम्हारा फैमिली है पूरा, अगर इनके अनुसार चलती रही तो बस ये निशानी रह जाएगा, सुहाग चला जाएगा। सुष्मा, माया दीदी, ये किसने किया आपके साथ? सोनी पिंटू के पापा। हमको नहीं पता वो काहे की, हमको लगा कि वो बदल गए हैं, सबके सामने माफी मांगी उनके लिए, उनके लिए
एक मौका भी बाकी।